व्रत। देखो सवाल नंबर 3 से करेंगे, सवाल नंबर 2 तक हमने कल कर लिए थे, है ना, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सवाल है। देखो क्या लिखा है, यदि एक व्रत की दो समान जीवाएं व्रत के अंदर प्रतिच्छेद करें, पिछले सवाल की तरह ही है, जो पिछला किया था हमने सवाल नंबर 2 उसकी तरह ही है। एक व्रत है, देखो ये है एक व्रत, ठीक है। अब इस व्रत की दो समान जीवाएं हैं जो व्रत के अंदर प्रतिच्छेद करती है। मान लो एक जीवा तो ये है और एक जीवा ये है, दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है, दोनों बराबर है। इसका नाम तो मैंने दे दिया ए बी और इसका नाम दे दिया हमने सी डी, और ये दोनों मान लो यहाँ ई बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये यहाँ पर हो गया केंद्र, केंद्र को क्या कहेंगे ओ। अब प्रतिच्छेद बिंदु को कहाँ से मिलाओ, केंद्र से, प्रतिच्छेद बिंदु को कहाँ से मिलाओ, केंद्र से। मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, ये वाली जो रेखा है ना जीवा, इस जीवा से, इस जीवा से, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। ये हमें करना है सिद्ध, ठीक है। देखो सबसे पहले तो लिखो सवाल में, बताओ बेटा क्या दिया है, दोनों जीवा क्या है, बराबर है। मतलब क्या है, जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी, हो गया। अब दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करती है, ई पर। अब ई को किससे मिलाओ, केंद्र से, मिला दिया। तो ये इसको केंद्र से मिलाते हैं ना, तो ये केंद्र से मिलाने वाली जो ओई रेखा है, ये यहाँ पर और यहाँ पर समान कोण बनाती है, बराबर कोण बनाती है। ये हमें करना है सिद्ध, देखो हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर। इससे पहले देखो यहाँ पर बनाओ 90 डिग्री का कोण, यहाँ 90 डिग्री का, और इधर भी बनाओ 90 डिग्री का कोण। क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है केंद्र जीवा का क्या करता है, लंब समधि, केंद्र जीवा पर 90 डिग्री कोण बनाता है, और इधर भी केंद्र जीवा पर क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का। मान लो यहाँ दे दिया M और यहाँ दे दिया N, आपको सिद्ध करना है कि ये वाला कोण क्या नाम है, एम ई ओ, किसके बराबर है, एन ई ओ के। हमें सिद्ध करना है कोण एम ई ओ बराबर है कोण एन ई ओ के, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर। इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना, क्या करेंगे, ये ओ एम किस पर लंब है, सी डी पर, और ओ एन किस पर लंब है, ए बी पर। ओ एन तो लंब है, लंब खींचा ए बी पर, और ओ एम लंब खींचा किस पर, सी डी पर। ये हमने क्या की है, रचना की है, भाई बात समझ गए। अगर न भी लिखोगे रचना तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है केंद्र जीवा पर क्या होता है, लंब होता है ना, हमने पहले पढ़ रखा है। अब देखो उत्पत्ति में बिल्कुल आसान सा सवाल है, ठीक है। अब देखो बेटा करना क्या है, इस कोण को और इस कोण को बराबर करना है। इसके लिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। सर्वांग सम करना है, चलो करते हैं। देखो ध्यान लगाओ, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम करना है, इसका नाम एम ओ ई, एन ओ ई। त्रिभुज कौन सा, एम ओ ई, व त्रिभुज कौन सा, एन ओ ई से। दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, कितनी चीजें बराबर, 3। ध्यान लगाओ इधर, ये वाली भुजा देखो, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी, बराबर है दोनों में। ओई बराबर क्या है, ओई, क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ, क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ है ना। बताओ सबसे पहले ओई किसके बराबर है, ओई के, क्यों बराबर है, ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ, हो गई। दूसरा देखो, ये वाला कोण कितना डिग्री का, 90, ये भी 1 नंबर और ये 2 नंबर, कोण नंबर ए किसके बराबर है, क्यों बराबर है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, क्योंकि केंद्र जीवा पर क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए 90 डिग्री है। अब दूसरी, ये ओ एम किसके बराबर है, ओ एन, बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, जीवाएं बराबर तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होती है, पर में पड़ी है 10.6। अगर जीवाएं बराबर तो केंद्र से दूरी भी क्या होती है, हमें सवाल में दे रखा है कि दोनों जीवाएं बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होगी, ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के। ओ एम बराबर किसके है, ओ एन के, बताओ क्यों बराबर है, बराबर ऐसे लिखो, बराबर जीवाएं, जीवाएं बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी है ना, बराबर जीवाओं की केंद्र
से दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ये कारण हो जाएगा, बराबर जीवाओं के केंद्र से दूरी क्या होती है? बराबर, इसलिए दोनों बराबर है। आगे हो गए तीन चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं बताओ? नियम कौन सा लगा? दो कोण एक भुजा, एस ए एस, यह 90 डिग्री आ रहा है। इसके सामने कर्ण आ रहा है, एक अन्य भुजा आ रही है, कौन सा लगाओगे? आर एच एस, या तो लगाओ आर एच एस या लगाओ एस ए एस, दोनों में एक लगाओ। नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज एम ओ ई सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज एन ओ ई के, हो गया। अगर बेटा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। एम ई ओ कौन कौन सा? एम ई ओ बराबर होगा कौन कौन सा? एन ई ओ, एन ई ओ बताओ क्यों होगा? बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? और ये हो गया इति सिद्धम। आगे समझ में? उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4, ध्यान लगाना इधर। यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों, बेटा सकेंद्री वृत्त का मतलब होता है जिन दो वृत्तों का केंद्र क्या हो? एक ही हो। देखो यहाँ ये आकृति भी दे रखी है, इसमें एक तो है बड़ा वृत्त और एक है छोटा वृत्त, दोनों वृत्तों का केंद्र ये एक ही है जिसका नाम क्या है? ओ। आगे लिखा है, देखो ये क्वेश्चन में लिखा है एक ही वृत्त वाले केंद्र, जिन वृत्तों का केंद्र एक ही हो ना उसे कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। जिनका केंद्र ओ है, इनका केंद्र क्या है? ओ है ना। अब आगे लिखा है ए बी, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करती है। ये एक रेखा है जो इन दोनों वृत्तों को ए बी सी और डी पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब हमें तो सिद्ध कीजिए, हमें करना है सिद्ध ए बी किसके बराबर होता है? सी डी की। ये वाला ए बी और ये वाला सी डी क्या होगा? बराबर। ये आप सिद्ध करके बताओ, ठीक है। सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया है, बताओ क्या दिया है? ओ केंद्र वाले दो क्या है? सकेंद्री वृत्त। ओ केंद्र वाले दो सकेंद्री, सकेंद्री वृत्त है। ओ केंद्र वाले दो क्या है? सकेंद्री वृत्त, जिन पर एक रेखा ये ऐसे एबीसीडी पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है? ए बी किसके बराबर है? सी डी के। ए बी बराबर है सी डी के। अब देखो उपपत्ति में आप ध्यान दो भाई, बहुत आसान है। देखो ध्यान लगाओ बेटा, ये ए डी, ये पूरी ए डी, ए डी बताओ इस बड़े वर्त की क्या है? जीवा। बड़े वर्त की क्या है? जीवा। और ये बी सी छोटे वर्त की क्या है? जीवा। जीवा है। अब देखो हमें पता है केंद्र जीवा का करता है लंब समधि, मतलब यहां पर बनाता है 90 डिग्री का कोण, और जीवा को दो बराबर भागों में मान लो। इसका नाम दे दिया मैंने ओ ई, क्या नाम दे दिया? आप इसको रचना में लिख दो, क्या लिखोगे रचना में? ओ ई लंब है किस पर? ए डी पर। किस पर लंब है? ए डी पर। आया समझ में? अब देखो ध्यान लगाओ, ये ओ ई बड़े वृत्त की जीवा का भी समद्विभाजन करेगा और छोटे वृत्त की जीवा का भी क्या करेगा? देखो यहाँ उत्पत्ति में ध्यान लगाओ, सबसे पहले ये लाइन लिखो आप, क्या लिखोगे? केंद्र, केंद्र जीवा का समद्विभाजन, समद्विभाजन करता है। केंद्र जीवा का क्या करता है? समद्विभाजन करता है, हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। अब देखो बड़े वृत्त की जीवा, देखो बड़े वृत्त की जीवा क्या है? एडी। क्या है? तो ये OE इसका समद्विभाजन कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, इसका मतलब ये AE और ये DE क्या होगा? बराबर। A किसके बराबर होगा? बताओ AE किसके बराबर होगा? DE के। बताओ ये क्या है? ये है बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की। और हमने यह लिख ही दिया कारण कि केंद्र जीवा का क्या करता है? समद्विभाजन। अरे इसका समद्विभाजन करेगा तो AE किसके बराबर होगी? DE के। अब देखो छोटे वर्त की जीवा क्या है? BC, इसका भी समद्विभाजन हो रहा है, इसका मतलब BE किसके बराबर होगा? बताओ BE किसके बराबर होगा? C के। क्यों होगा? ये क्या है? छोटे वर्त की जीवा, ये छोटे वर्त की। अब कारण हमने यहाँ लिख ही दिया दोनों का,
केंद्र जीवा का क्या करता है? संधिपाद। अब देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, और ये वाला भाग और ये वाला भाग भी क्या है? बराबर। इस वाले भाग में से ये वाला भाग माइनस करेंगे, और इस वाले भाग में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो ये वाला और ये वाला क्या आ जाएगा? बराबर। इस ऊपर वाले में से ये घटा दो, आप यहाँ लिख दो, इसको मान लो समीकरण नंबर एक और इसे मान लो समीकरण नंबर दो, तो यहाँ आप क्या लिखोगे? घटाने पर माइनस कर दो, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ए में से क्या घटाएंगे? बी। ये ए, इसमें से क्या घटाओ? क्या बची? ये पूरी ए है, इसमें से बी घटाएंगे तो क्या बचेगी? क्या बचेगी भाई? ए बी बराबर। अब डी, डी ए पूरी है, इसमें से क्या घटाएंगे? सी। डी में से सी, ये पूरी में से ये वाला भाग घटाओ, क्या बचा? क्या बचा? सी डी। इति सिद्धम। आ गया समझ में? उतारो।